भी देखा है मैंने YouTube पे यार। अल्लाह का शुक्र आप किधर? आपने तो बताया आ गए। ये नोज आपने कार्बन की बात में लगाई है? हाँ, खुद मंगवाई है। ये चीज है ये, और वो भी ये भी हो जाना कहीं कार्बन का। आया आया अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेड डैम व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने जब ये कावासाकी निंजा H2 लिया था तो इसमें से वुश की आवाज़ आपको एक आती थी। वो वुश की आवाज़ जो है वो यहाँ से आती है। बेसिकली ये लगा हुआ है ब्लो ऑफ वॉल्फ। ब्लो ऑफ वॉल्फ का मतलब ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर आती है वो यहाँ से खारिज करता है, और जब ये यहाँ से खारिज करता है तो इसके अंदर एक वुश की आवाज़ ये क्रिएट करता है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है। निंजा H2 के लिए दो ही बने हैं, एक ये आफ्टर मार्केट जो टर्बो स्मार्ट कंपनी बनाती है, और एक जो है ये स्टोक विसल होती है। ये स्टोक ब्लो ऑफ वॉल्व है जो कावासाकी में लगाता है, लेकिन इसके साथ ये पाइप भी लगा होता है। तो ये दोनों पार्ट इसमें से उतार कर इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसको ये करता क्या है, इसके लिए मुझे मैकेनिज़्म आपको समझाना पड़ेगा। बेसिकली मैंने तो ये उतारा था पूरा, अपना स्टोक वापस लगाने लगूँ उसके लिए मैंने खोला हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक मैकेनिज़्म भी समझा दूँ कि ये H2 वर्क कैसे करता है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन्स हैं। H2 का जो इंटेक सिस्टम है एयर का, इसका फ़िल्टर, और ये अगर इसका फ़िल्टर नीचे है तो ये क्या है, अगर इसके अंदर फ़िल्टर है तो नीचे क्या है, ये सारी आज क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बेसिकली H2 का जो इंटेक है वो यहाँ से होता है, ये सिंगल इंटेक होता है इसका, इस तरफ से यहाँ से हवा जो है वो अंदर जाती है, और यहाँ से इंटेक का ये जो पाइप है ये इसको रिसीव कर लेता है एयर को, फिर वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ पे जाती है। तो वो जो वेंट है वो यहाँ से उस एयर को लेता है और यहाँ पे आकर इस फ़िल्टर में डाल देता है। तो कावासाकी H2 का जो फ़िल्टर है वो यहीं पर लगा होता है। 15 से लेकर 23 तक अभी तक जितने भी मॉडल आए हैं, H2 हो या H2R हो, सबका फ़िल्टर यहाँ पर होता है। और एक मिथ थी कि 2019 में जो फ़िल्टर का साइज़ है वो चेंज कर दिया था, नहीं, फ़िल्टर का साइज़ चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ इस एलुमिनियम बॉक्स का साइज़ चेंज हुआ था। यहाँ से कावासाकी ने 1900 ऑनवर्ड जो है ये इसका साइज़ चेंज कर दिया था, लेकिन फ़िल्टर क्योंकि नीचे लगा होता है तो फ़िल्टर का साइज़ सेम रहता है। तो पहली जो एक कन्फ्यूजन होती थी लोगों को वो ये है कि 15 से 23 तक फ़िल्टर का साइज़ सेम है, सिर्फ इस बॉक्स का साइज़ चेंज होता है। यहाँ से अगर हम इस बॉक्स को रिमूव करें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये इसका फ़िल्टर आ जाता है। इसको क्लीन करना हो तो आप यहाँ से इसको निकाल के क्लीन कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं। मेरा जो है DNA का इंस्टॉल है, तो ये आ जाता है आपका सुपर चार्जर। अब वो जो एयर आई थी यहाँ पे, ये जो फ़ैन है ये क्या करता है, ये सुपर चार्जर का फ़ैन घूमता है और हवा को अपने अंदर की तरफ लेकर जाता है। और अंदर की तरफ आप ये देख रहे हैं, ये पाइप जो लगा हुआ है ये सुपर चार्जर के अंदर से आ रही है हवा। तो ये पंखा जो है हवा को इतनी तेज़ी से सक करता है कि उसको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करके वो इस हवा को यहाँ से इस बॉक्स में डाल देता है। कंप्रेस हुई जो हवा है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कावासाकी को यहाँ पे प्लास्टिक का नहीं बल्कि एलुमिनियम का, मेटल का बॉक्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर प्लास्टिक का लगाते यहाँ तो वो उस हवा के प्रेशर से फट जाता या डीशेप हो जाता या किसी ना किसी एक कोने से क्रैक कर जाता। तो वो सारी हवा जो है वो इसके अंदर आ जाती है, और वो उसकी जो क्वान्टिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये जो माउंट है ये हमारा थ्रोटल बॉडी जो होती है जिसमें थ्रोटल प्लेट्स लगी होती हैं, ये उसके ऊपर माउंट है पूरा बॉक्स। जब हम थ्रोटल यहाँ से अपनी थ्रोटल वाइड ओपन करते हैं तो यहाँ से प्लेट्स भी ओपन हो जाती हैं, तो वो सारी हवा इंजन के अंदर जाती है और बाइक परफॉर्मेंस जनरेट करती है। लेकिन जैसे ही आप रेस छोड़ते हैं, जैसे ही आपने थ्रोटल छोड़ी और यहाँ से थ्रोटल प्लेट्स हो जाती हैं बंद, अब वो जो एयर इसके अंदर आ गई और वो कंटिन्यूस सुपर चार्जर उसको कंप्रेस करके भेजी जा रहा है, वो एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालने के लिए ये वॉल्व होता है। स्ट्रोक बाइक में वो लगा होता है और आफ्टर मार्केट ये है, तो ये वो उस एक्स्ट्रा एयर को यहाँ से बाहर निकाल देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये वो जितनी भी एयर है वो यहीं से आउट कर देता है और उसको रीयूज़ नहीं करता। स्ट्रोक के अंदर एक आप समझ लें कि एक हमें डिसएडवांटेज मिलता है कि स्ट्रोक जो है वो सारी एयर जो है वो यहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन इसके आगे ये पाइप लगा होता है और ये पाइप जो है
इसका दूसरा मुंह इसके पीछे माउंट होता है, इसकी बैक साइड पे, सुपर चार्जर के बॉक्स की बैक साइड पे होता है। तो ये करता क्या है, ये वो जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो यहाँ से इस पाइप के ज़रिए इसके अंदर दोबारा फेंक देता है। अच्छा, अब होता क्या है और गोरे इसको क्यों निकाल देते हैं। गोरे स्ट्रोक विसल निकाल कर ये आफ्टर मार्केट ब्लो ऑफ वॉल्व इसलिए लगाते हैं कि सुपर चार्जर जब घूम रहा होता है तो ये इतना गर्म हो जाते हैं इसके पंखे कि इसके अंदर से निकलने वाली हवा जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वो गर्म हवा इसके अंदर चली जाती है और यहाँ से आपके इंजन में जा रही होती है। तो जब आप उस गर्म हवा को यहाँ से निकाल के वापस एयरबॉक्स में डालेंगे तो आपका इनटेक जो है वो गर्म रहता है, बजाय इसके कि आप फ्रेश एयर जो है वो फ्रंट से लेकर आ रहे हैं उसके अंदर वो गर्म हवा जो है वो भी शामिल हो जाती है। तो आपकी ओवरऑल इनटेक का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा अप रहता है, और इनटेक का टेम्परेचर अगर अप होगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगी। इसलिए गोरे जो हैं स्ट्रोक वाला ये जो सिस्टम है ये निकाल देते हैं और ये आफ्टर मार्केट डाल देते हैं यहाँ पे। अब इस आफ्टर मार्केट के पास एक ही डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रोक विसल की आवाज़ पसंद है, कि ये वुश की आवाज़ क्रिएट करता है। ये यहाँ से इसकी सारी एयर जब निकलती है, ये वॉल्व खुलता है तो ये वुश की आवाज़ क्रिएट करता है। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो टेक्निकल लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे इस टाइम कि अगर हम ये आफ्टर मार्केट ना लगाते वो और यहाँ पे स्ट्रोक ही लगी रहने देते और स्ट्रोक लगी रहने देते और सिर्फ ये पाइप उतार देते ताकि उनका गर्म इनटेक जो है वो वापस ना जाता, लेकिन उससे उनको होता ये है एक डीमेरिट रहता है कि अगर आप खाली ये लगा रहने दें और इसके आगे से आप ये उतार देंगे तो होगा ये, यहाँ से तो हवा ने आउट होना है, इन नहीं होना, तो एयर बॉक्स में या आपका वो जो एल्युमिनियम का बॉक्स है उसके अंदर हवा वापस तो नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से हवा अंदर जाएगी अनफिल्टर हवा जो फिल्टर नहीं होगी, और वो यहाँ से क्या चली जाएगी आपके सीधा सुपर चार्जर के अंदर, तो जितनी भी मिट्टी है वो ये सक कर लेगी। तो जब ये आफ्टर मार्केट ब्लो ऑफ वॉल्व लगता है इसके साथ एक ब्लैंक कैप आती है, वो ब्लैंक कैप इस पाइप को उतार कर इस बॉक्स के पीछे लग देती है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, मैं चाहूँ जब मर्ज़ी मेरा दिल करे मैं वुश की आवाज़ सुन लूँ, चाहूँ जब मर्ज़ी तो मैं अपनी स्ट्रोक विसल दोबारा इंस्टॉल कर सकता हूँ ब्लो ऑफ वॉल्व को। तो मैं जल्दी से अपनी स्ट्रोक ब्लो ऑफ वॉल्व को दोबारा इंस्टॉल करता हूँ और बाइक को लेकर चलते हैं राइड पे, और इसकी यूनिक ऑलमाइटी H2 की जो स्ट्रोक विसल की आवाज़ है जिसकी वजह से बाइक बड़ा फेमस हुआ था जब ये बना था वो सुनते हैं। तो गाइस, दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ माय बाइक विद वाइजर। एक वाइजर से भी लुक में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है मुझे नहीं पता था, लेकिन जब लगा है और इन पर्सन मेरे सामने बाइक है, इट्स लुक अमेजिंग। खैर, लुक तो हमने किलिंग कर ही ली थी, वाइजर ने उसके अंदर चार चांद लगा दिए विद ऑल द कार्बन पार्ट्स, और अब टाइम है इसकी स्ट्रोक विसल सुनने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने अपनी बाइक में दो चीज़ें और चेंज की हैं, वो है स्पॉकेट्स। जो स्पॉकेट है ये मैंने डाली है वोर्टेक्स की, और ये 41 टीथ की है, 463 चेन इस स्पॉकेट का नंबर है, जो चूड़ी का साइज़ होता है इसकी, जो दो दंदे हैं इसके दरमियान का साइज़ होता है, और 41 इसके टीथ है। तो फ्रंट पे भी मैंने चेंज किया, रियर पे भी चेंज किया है। जो स्ट्रोक कावासाकी को H2 को लगी जाती है वो 44 होती है, और H2R को जो लगी जाती है वो 42 होती है, लेकिन जब आप H2 को ट्यून कर लेते हो तो इसके पहले दो गियर तो ज़ाया हो जाते हैं ना, आप यूज़ ही नहीं कर सकते। दूसरा गियर फिर भी आप यूज़ कर लेते हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके, पहला गियर तो फारिग हो जाता है, तो उस पहले गियर को यूटिलाइज़ करने के लिए फिर छोटी गरारी लगाई जाती है, इसका इनिशियल कम किया जाता है ताकि इसे इसका टॉप थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, इनिशियल कम हो जाएगा, लेकिन ये है कि बाइक काबू में रहेगी। आपने अगर अपनी बाइक को नथ डाल ली है, इसको काबू में रखना है, तो फिर ये दोनों स्पॉकेट्स आपको चेंज करनी पड़ती है। फ्रंट पे स्ट्रोक 18 आती है H2 H2R दोनों को, तो मैंने 19 डाला है, 19 फ्रंट 41 रियर। H2 है भाई, गरा रही है जितनी मर्जी डाल लो, पहले गए फिर भी पड़ा रही है।
सुना हुआ था कि जब धूप निकलती है तो फोग ख़त्म हो जाती है। कितनी देर से निकला हुआ यार सूरज, से फोग नहीं ख़त्म हो रहा। ये विजल की आवाज है। आई होप कि आपने मेरे लाउड एग्जॉस्ट में भी सुन ली हो। दिस इज द स्टॉक विजल। यार मेरा ध्यान मीटर पे नहीं होता, मेरा सामने होता है। लेकिन फिर भी वैसे कितनी जाती है? जाती तो ये 300 प्लस है। मतलब इस रोड तक आपका? मैं ख्याल है 260-270 तक लेके गया हूँगा मैं अभी मैक्सिमम इसको। वैसे मैं इसको 295 या 293 तक लेके गया था लास्ट टाइम। अभी काफ़ी देर बाद चला रहा हूँ तो थोड़ा सा डर रहा था। कोई मसला नहीं था। स्टार्ट कर, इंजन की आवाज़ सुना दे बस। इसलिए मैंने स्टार्टिंग वीडियो बनाई। अल्लाह का शुक्र। आप किधर? आपने तो बताया बगैर ही आ गए। क्या हाल है? आपको बहुत मुबारक हो यार। ये इनका 1000 कैटेगरी में सबसे अप मॉडल है। ये 1100 है। ये 1100 है। 1100 है। ये इसका एक आता है बेस मॉडल, ये फैक्ट्री है। हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ फैक्ट्री। वो बेस मॉडल भी 1100 है। अच्छा, इसका जो अप मॉडल होता है उसका फैक्ट्री नाम रखा हुआ है। जो अप मॉडल है उसका फैक्ट्री नाम। बाकी ये सारी चीज़ें, ये जो उसमें ये बेसिकली ये जो आता है मॉडल फैक्ट्री, इसमें ओलेंस की सस्पेंशन है, अगली पिछली है, इलेक्ट्रिक है, ओलेंस का ही डैम्पर है, स्टेरिंग डैम्पर। अच्छा। और अच्छा, इसके ये बिल्ट इन विंग्स ही हैं एक तरह के। पूरा एक पार्ट है यहाँ से तक नीचे तक फेरेंगे पूरा पीस। जो 23 में वो M1000 RR आई थी उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े से कर दिया, पूरा इसी तरह कर दिया आगे से। लेकिन वो उन्होंने M1000 उन्होंने ऐसे ही मिला के कुछ बड़ा सा कर दिया उसका। उसकी नोज भी उसको मतलब उसके मुकाबले में कर दी है बड़ी ना उसको। चलें अल्लाह ताला आपको नसीब में करे। ये नोज आपने कार्बन की बात में लगाई है? हाँ, खुद मंगवाई है। ये चीज है ये और वो भी ये भी हो जाना कहीं कार्बन का। तो सारा कार्बन का बाद में मंगवाया है, ये नीचे वाले विंग्स, ऊपर वाले टेल सेक्शन पूरा। अगर वैसे देखें ना दूर से या तस्वीरों में तो काफ़ी बड़ा लगता है। हाँ, पास आए तो बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट। सिर्फ इसका ना ये इनटेक की वजह से ना उन्होंने थोड़ा सा चौड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि ये पाइप भी लेके जाना था तो उसको उन्होंने डिज़ाइन वाइज उसको उन्होंने करना भी था, जस्टिफाई भी करना था। फ्रंट एंड इसका बहुत चौड़ा लगता है आपको।